भोपाल में भाजपा अरेरा मंडल अध्यक्ष मुकुल लोखंडे के खिलाफ पत्नी से मारपीट, जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज। बेटी के सामने पत्नी की तरफ इशारा कर कहा, यह औरत डायन है, इसके पास मत जाना। महर में शारदीय नवरात्रि के पहले दिन माता शारदा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, मंदिर में लगी लंबी कतारें, श्रृंगार आरती के साथ खुले मैहर माता के पट, जयकारों के साथ गूंजा शहर। एमपी में तेज बारिश का जोर खत्म, 10 दिन बाद मानसून की विदाई, आज महाकौशल, बघेलखंड और बुंदेलखंड में रिमझिम होगी बारिश। सागर लीगल राइट्स काउंसिल इंडिया द्वारा नवरात्रि के पर्व के अवसर पर देवी मां के 9 स्वरूपों की गरिमा का नाट्य व्याख्यान प्रतियोगिता का किया जाएगा आयोजन। लीगल राइट्स काउंसिल इंडिया की प्रदेश उपाध्यक्ष अनुश्री सैलिन जैन द्वारा निवास पर बैठकर कार्यक्रम के बिंदुओं पर की गई चर्चा। सागर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती, प्रतिवर्ष अनुसार विधायक सैलिन जैन द्वारा कार्यकर्ता दिवस के रूप में धर्मश्री स्थित जिला भाजपा कार्यालय में मनाई गई। सागर जिले के खुड़े में 27 सितंबर को होने वाले मतदान के लिए मतदान दलों को सामग्री वितरण के लिए तैयारी पॉलिटेक्निक में की गई। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में CUET UG प्रवेश पंजीकरण की लिंक 26 सितंबर 2022 से अपराह 1:30 पर खुलेगी। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। सागर PWD मंत्री गोपाल भार्गव ने गढ़ाकोटा में चुनावी सभा को किया संबोधित। भाजपा के सभी 23 बोर्ड प्रत्याशियों की मौजूदगी में हजारों की संख्या में सभा में मौजूद लोगों से कहा, सरकार एक मां के रूप में काम करती है, मां की तरह जनता को पालती है, मां के दूध का कर्ज चुकाने का समय आया। सागर में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अपनी विधानसभा सुर्खी के राहतगढ़ क्षेत्र में पहुंचकर मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान तहत आयोजित शिविरों में की शिरकत। नवरात्रि के प्रारंभ होते ही शहर में काफी धूम, गांव में आने वाले लोग शहरों से आने वाले पंडालों में विराजने के लिए माता रानी को ले जाते हुए आए नजर। सागर जिले के राजगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लड डोनेट कैंप का हुआ आयोजन, जिसमें करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने अपना ब्लड किया डोनेट। पंडित आलोक कुमार गर्ग, आज क्या कार्यक्रम हुआ था? आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राहतगढ़ में रक्तदान शिविर लगा हुआ था, जिससे कि रक्तदान हमने भी किया है और हमारे समस्त मित्रगणों ने भी किया है। क्या उद्देश्य रहा रक्तदान करने का? उद्देश्य क्या रहा था? रक्तदान करने का उद्देश्य ये है कि हमारे शरीर में रक्त पर्याप्त मात्रा में था और हमारा रक्त अगर किसी के जीवन को बचाने के काम में आए तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। सागर के नरियावली विधानसभा की कर्रापुर में नगर परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने महाजनसंपर्क अभियान चलाया, जिसमें जिलाध्यक्ष गौरव सरोठिया, सांसद राज बहादुर सिंह, विधायक प्रदीप लारिया और पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशियों के साथ बोर्डों में जनसंपर्क करते हुए विजय बनाने की अपील। सागर उप पुलिस महानिरीक्षक विवेक राज सिंह और पुलिस अधीक्षक तरुण नायक ने पुलिस कंट्रोल रूम में अपराध समीक्षा बैठक ली, जिसमें सागर जिले के सभी पुलिस अधिकारी और समस्त थाना प्रभारी रहे उपस्थित। सागर में सिविल लाइन स्थित होटल बरदान में फैमिली प्लानिंग LMIS सॉफ्टवेयर पर जिला सागर का रिव्यू कम प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सागर में भारतीय शिक्षण मंडल महाकौशल प्रांत रूबा मंडल संयोजिका डॉक्टर प्रीति शर्मा के द्वारा भारत के अज्ञात वीर सुभाष चंद्र बोस पर वेबिनार का हुआ आयोजन।
सुभाष चंद्र बोस भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के महान कर्मयोद्धा, लीगल राइट्स काउंसिल इंडिया की प्रदेश उपाध्यक्ष अनुश्री जैन ने कहा। सागर किनारे वाली विधानसभा की कर्रापुर में कांग्रेस ने नगर परिषद कर्रापुर चुनाव में मतदाताओं को प्रलोभन देने पर डराने वालों पर FIR दर्ज कराने को लेकर थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन। अहमदाबाद के गांधीनगर में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद सागर आगमन पर महापौर संगीता तिवारी और महापौर प्रतिनिधि डॉक्टर सुशील तिवारी का नागरिकों ने किया स्वागत। सागर में डॉक्टर सुशीला यादव को प्रभारी संयुक्त संचालक बनाया गया, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं ने जारी किया आदेश। जिला न्यायालय सागर में कुल्हाड़ी से सर पर प्रहार कर हत्या करने वाले दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सुनाई गई सजा। जिला न्यायालय सागर में आज जिला न्यायाधीश प्रथम के तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश माननीय दिनेश सिंह राणा जी के न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप में जिसमें हत्यारों ने दोषियों ने मृतक को कुल्हाड़ी से वार किया था और उसकी मृत्यु हुई थी, ऐसे प्रकरण में जो प्रकरण क्रमांक 17 प्रकरण क्रमांक 215/21 है, इस प्रकरण में आज धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास सुनाया है। दोषियों को जिला केंद्रीय जेल सागर भेज दिया गया है। घटना इस प्रकार से है कि ग्राम थाना सुर्खी अंतर्गत ग्राम बैरसला में रहने वाले मृतक मोहन को आरोपी जो अभियुक्त इस प्रकरण में अभियुक्त है भागीरथ और नितेश द्वारा मकान के विवाद के चलते, एक मकान की दीवार बननी थी उसके विवाद के चलते मोहन की जमीन पर जो इसने मकान बनाया इसके विवाद को लेकर विवाद बढ़ा और विवाद बढ़ने के दौरान नितेश ने पहली कुल्हाड़ी मोहन के सर पर मारी और दूसरी कुल्हाड़ी भागीरथ ने उसके सर के कान के पास से मारी जिससे उसे बहुत खून आया। 108 से उसे जिला अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मृत्यु मृत घोषित कर दिया गया। इसकी मृत्यु के उपरांत सुर्खी थाने ने प्रकरण दर्ज किया। दौरान विचारण जब न्यायालय को यह प्रतीत हुआ कि धारा 302 के अंतर्गत आरोपी दोषी सिद्ध होते हैं तो उनको धारा 302 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उनको आजीवन कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया। इस प्रकरण में एक और सह अभियुक्त कृष्णाबाई भी थी जिसे 3 माह का दंडादेश दिया गया था और 2,000 रुपये जुर्माना, इस महिला को निर्णय के बाद ही 2,000 रुपये जुर्माना जमा कराकर और चूँकि 3 माह ये पहले जेल में काट चुकी थी इस कारण उसकी सजा को समायोजित करके उसे घर भेज दिया गया और दोनों आरोपी जिन्हें आजीवन कारावास हुआ है उन्हें जिला न्यायालय द्वारा केंद्रीय जेल सागर भेज दिया गया है।